16 अक्टूबर का ये जो ब्लाइंड मर्डर का केस था 2019 का, तो उसका खुलासा पुलिस ने किया है। खुलासा इस प्रकार है कि ब्लाइंड मर्डर था ये, और जो आरोपी थे वो बिल्कुल कोई भी क्लू छोड़ करके नहीं गए थे, कोई एविडेंस नहीं था हम लोग के पास में, सिवाय एक सीडीआर थी। तो हम लोगों ने गांव के मुख्यतः जो लोग कनेक्टेड थे उस आदमी से, उन सभी लोगों को इंटरोगेट किया, उन सभी लोगों की सीडीआर क्रॉस एनालाइज करी उनके कथन के साथ में, और फिर जो सस्पेक्ट हमको मिले उनके थ्रू हमें ये पता चला कि ये 5 लोगों की गैंग थी जिन्होंने मिलकर के काम किया था, और ये 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इन सबको कोर्ट पेश कर दिया। आरोपियों को पकड़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई हो? हाँ, दिक्कत इस प्रकार आई है कि पहले इसके जो 2 भतीजे थे वो संदिग्ध आरोपी थे हमारे लिए, मतलब संदिग्ध थे, उनको सबसे ज़्यादा डाउट था क्योंकि उनका प्रॉपर्टी का फ़ायदा था इस चीज़ से, तो इस कारण से पहले उन लोगों से बहुत डीपली पूछताछ करी जा रही थी उनको ये मान करके कि यही लोग हैं। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि उन लोगों ने जो भी बात बोली वो सही पाई गई उनके सीडीआर के थ्रू या उनके बाकी लोगों से पूछताछ के थ्रू, तो फिर एक खुलासा हुआ कि ये लोग सच बोल रहे हैं और जो असली आरोपी वो और है। तो फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो असली आरोपी है उनको पकड़ने के लिए डाइवर्ट करी। ये मामला किससे रिलेटेड था, संपत्ति कर से रिलेटेड था या किसी और? ये संपत्ति से रिलेटेड भी था, मतलब संपत्ति तो नहीं कहेंगे इसको, जो 2 लाख रुपये थे वो उसके बारे में पता था आरोपियों को, तो वो 2 लाख रुपए की चोरी के लिए था ये एक तरीके से, और बाकी जो आरोपी है वो वहाँ पर अपने गाय भैंस चराना चाहते थे तो उस जगह पर उनको फ्री एंट्री मिल पाए, तो इसके लिए उन लोगों ने मिलकर के प्लानिंग करके उसको ख़त्म कर दिया।